अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के शुक्र के साथ आज का वी लोग करते हैं शुरू। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारादार फूड स्ट्रीट पे, जिसको पारिया स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये खारादार की मशहूर स्ट्रीट है, जहाँ आपको हर किस्म का रात में खाना वगैरह मिल जाएगा, चाहे फास्ट फूड हो या गोल गप्पे हों चटखारे वाले। तकरीबन 12-12.5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ये चाट है, 80 रुपए की प्लेट है। इसमें मीठा भी है, और जैसे ग्राहक बोलते हैं ना, जैसे लेडीज उमूमन बगैर मीठे का खाती है, तो फिर बगैर मीठे का भी बना के देते हैं। ये चने कड़ी वाले, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये केचप है, ये दही। अंदर जैसे ही दाखिल होंगे तो आपको यहाँ किसी न किसी दुकान पे ऑफर लगी हुई मिलेगी। अभी आपको जो ये सामने शॉप नजर आ रही है, ये अभी दूध बेच रहे हैं, जो 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री बेच रहे हैं। 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री आ गया दूध खारादार फूड स्ट्रीट में। आ जाओ भाई, आ जाओ, सब ले जाओ, बड़ी रश लगी हुई है इस वक्त। 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री दे रहे हैं। पूरे कबाब के अंदर सिर्फ चटनी लगाते हैं काली कलर की, और इसके अंदर प्याज डालता है, और एक कबाब का पीस रख के दे देता है। ये टोटल इसका बर्गर का मटेरियल है, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है पूरी कराची में चलता है, और इसका जो टेस्ट है वो वाकई और बर्गरों से काफ़ी अलग होता है। फ्री चिकन शवरमा मिल रहा है भाई, एक सिम लोगे दो दो शवरमे फ्री मिलेंगे खारादार फूड स्ट्रीट के अंदर। अगर आप यूफोन और टेलीनोर की सिम लोगे तो दो दो शवरमे फ्री मिलेंगे भाई। ये चपली कबाब है, ड्रम स्टिक है, चिकन टिक्का है। 5 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक होते हैं। ये माशाल्लाह जायका जबरदस्त है, 10-12 दिन हो गया, अभी नया नया सेटअप लगा है और जबरदस्त चल रहा है माशाल्लाह। हमारा जो है जिंगर है, हम ये इम्पोर्टेड जिंगर यूज़ कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं रीज़न दूसरा ये है कि जो हमारे बंस हैं ये पोटैटो बन है येलो, लोग ऑर्डर पे बनवाते हैं क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट भी रहते हैं, और पोटैटो बन है जो कि आजकल चल रहा है, ये टेस्टी भी हैं खाने में। अगर एक जिंगर लेते हैं तो 280 का है, और अगर हम दो देते हैं तो हमारे पास डील है 460 के, दो जिंगर विथ फ्राइज़। हमारी काफ़ी हमने नॉमिनल प्राइसेस रखी हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ जेंट्री जो नॉर्मली आती है वो ज़रा उनको चाहिए होता है कि हमें कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए। ऑनलाइन जो है वो आपको अगर करना हो तो फूड पांडा पे हमारा रेस्टोरेंट अवेलेबल है। फ्यूचर में हमने ये सोचा है कि हम ज़रा प्राउन फ्राइज, प्राउन पिज़्ज़ा फ्राइज भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो अगर वो कस्टमर आएंगे तो एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा।